वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं, अगर टेस्ट करते समय हमें एक लाइन दिखाई देती है जो कि सी पर होती है, कंट्रोल लाइन पर एक गुलाबी कलर की लाइन अगर दिखाई देती है तो उसका मतलब होता है कि जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। अगर दो लाइनें दिखाई देती हैं, सी पर एक लाइन, टी पर एक लाइन, दो गुलाबी कलर की लाइनें दिखाई देती हैं तो उसका मतलब है कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब प्रेगनेंसी है। लेकिन कुछ लोगों को प्रेगा न्यूज टेस्ट कार्ड के आगे ये जो तीन बार हैं यहाँ पर गुलाबी कलर की लाइन दिखाई देती है और इसके बारे में मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोगों के कॉमेंट्स भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं कि सर इन तीन लाइनों के दिखने का कारण क्या है, क्या इसका मतलब पेट में जुड़वा बच्चे होना है, क्योंकि अगर एक बच्चा होता तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता, लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हैं तो इन तीन खानों में दिखाई दे रहा होगा, या फिर क्या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, मतलब कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं पेट के अंदर, या फिर कहीं एप्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि एप्टोपिक प्रेगनेंसी एक जानलेवा कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है और एबनॉर्मल कंडीशन के लिए तीन खाने बनाए गए हैं। तो एक्चुअल वजह क्या है जिसकी वजह से आपको इन टेस्ट कार्ड की इन तीन खानों में गुलाबी कलर की लाइन दिखाई देती है, यही वजह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, ये जो टेस्ट कार्ड हैं ये एक स्पेशल टाइप के प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं जिसे बीटा एससीजी बोलते हैं। एससीजी की फुल फॉर्म है बीटा ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस टेस्ट कार्ड के ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं। तो होता ये है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा है जब वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है तो इस स्पेशल हार्मोन को वो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करता है और कुछ ही घंटों के बाद जब ये एससीजी हार्मोन पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है तो ये टेस्ट कार्ड उस प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट कर लेते हैं और आपको टेस्ट कार्ड के माध्यम से बता देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। लेकिन आपके केस में क्या है कि इन तीन बार के अंदर आपको गुलाबी कलर की लाइन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हों, लेकिन इन तीन बार के अंदर ये जो गुलाबी कलर की लाइन है इसकी दिखने की एक्चुअल वजह क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों ना मैं इस टेस्ट कार्ड को यूज़ करके बताऊं कि आखिर गुलाबी लाइन आती क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो प्रेगा न्यूज टेस्ट कार्ड है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं फटाफट। ओपन करने के बाद आपको इसमें ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मिलता है, इसका यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। ये ड्रॉपर मिलता है, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। ये जो टेस्ट कार्ड है ये आपको मिलता है। अब यूरिन सैंपल के लिए मैं NS 0.9% का यूज़ कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का। ये भी एक यूरिन सैंपल मतलब पेशाब के नमूने जैसा ही है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर आपको मेडिकल की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो ये नॉर्मल लाइन है इसमें SCG हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब टेस्ट करते समय आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पेशाब की बूंदे डालते हैं, एस फॉर सैंपल विंडो, यहाँ पर पेशाब की तीन बूंदे डालनी होती है। फिर जो पेशाब है यहाँ से बहता हुआ इस खाने में दिखता है जहाँ पर हमें टेस्ट रिजल्ट पता लगता है। ये रिजल्ट विंडो है जहाँ पर आपको टी लाइन दिखती है, टी पर एक लाइन आती है जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, उसके साथ आपको कंट्रोल लाइन पर भी एक लाइन दिखती है। इन दोनों लाइनों को दिखने के बाद ही हम लोग बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर टी पर एक लाइन है, सी पर एक लाइन नहीं है तो जो टेस्ट कार्ड है वो आपका ख़राब है, फिर आपको दोबारा यूज़ करना है। अगर आपको सिर्फ सी पर ही एक लाइन दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव है, मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर हो सकता है कि एक लाइन दिखाई दे रही हो सी पर और यहाँ पर आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही हों, तो इन तीन लाइनों के दिखने का कारण क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्यों ना मैं क्या करूँ, इस टेस्ट किट को मैं खोल लूँ। खोलने पर आपको अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाला ये एक टाइप का स्पेशल पेपर है, मतलब कि कागज है। ये पेशाब को सोखने का काम करता है। जब हम लोग यहाँ से पेशाब की बूंदे डालते हैं तो पेशाब को ये सोख लेता है और फिर पेशाब यहाँ से बहता है, फिर टी
ये जो टी है यहाँ पर एक लाइन जो हमें दिखती है वो रिसेप्टर होते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको पता करने के रिसेप्टर होते हैं, उसको डिटेक्ट करके यहाँ पर गुलाबी लाइन आ जाती है। कंट्रोल लाइन के आगे भी एक रिसेप्टर होता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे पता लगता है कि जो टेस्ट कार्ड है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आगे भी आपको पेशाब को सोखने के लिए एक पेपर लगा दिया जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सॉल्यूशन को 3 बूंदें यहाँ ड्रॉप करता हूँ, 1, 2, 3। अब देखेंगे कि सेम तरीके से ऐसे ही आपके केस में जो टेस्ट किट है वो काम करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रोल लाइन हमें दिखाई दे चुकी है, ठीक है। आगे ये जो पेपर है ये एक्स्ट्रा पेशाब को सोखने का काम करेगा, लेकिन पेशाब हमने डाला नहीं है, हमने नॉर्मल स्लाइन ही डाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर और बूंदे गिरा देते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो कागज़ है ये अपना रंग बदल रहा है। इसका जो रंग है गाइज वो देखें आप कि ये गुलाबी होने लग चुका है धीरे धीरे। आपके केस में क्या होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा गुलाबी दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपको 3 बार दिख रहे हैं ये 3 लाइनें नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही कागज़ है। अगर लाइनें होती तो इस तरह टाइप की हमें लाइनें दिखाई देती, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। और अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, ये देखिए प्रॉपरली अगर हम लोग इसको बंद करते हैं तो आपको टेस्ट कार्ड में कुछ इस टाइप का इन 3 खानों में गुलाबी कलर की लाइन दिखाई देती होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो कागज़ लगाया गया है वो कागज़ इसलिए लगाया गया है ताकि अगर आप लोग 3 से ज़्यादा पेशाब की बूंदें डालें तो ये कागज़ अतिरिक्त पेशाब को सोख ले। क्यों? क्योंकि अगर ये कागज़ नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो रिसेप्टर हैं यहाँ पर अतिरिक्त पेशाब की मात्रा रहेगी यहाँ पर, और अतिरिक्त पेशाब की मात्रा रहने के बाद जब ये पेशाब सूखेगा तो ये जो टी लाइन है टी लाइन के आगे ये एक कलरलेस लाइन को छोड़ देता है, वाइट कलर की लाइन, ग्रे कलर की लाइन को छोड़ देता है, जिसे हम लोग इवेपरेशन लाइन बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट इवेपरेशन लाइन को देखता है तो उसे लगता है कि जो उनका टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो ऐसी परेशानी आपको ना फेस करनी पड़े, इसीलिए कंपनी इस पेशाब के सोखने वाले पेपर को आपको लगा कर देता है। फिर आप लोग बोलेंगे कि आखिर फिर ये 3 बार यहाँ पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत इसलिए थी कि अगर जब पेशाब ये सूखेगा यहाँ से तो पेशाब को निकलने के लिए कोई जगह भी चाहिए, तो ये एग्जॉस्ट विंडो है जहाँ से पेशाब भाप बनकर बाहर निकलता है, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो गैसेस भी यहाँ से एक्सचेंज हो जाती हैं, इसीलिए ये 3 खाने बनाए गए हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है वो रिज़ल्ट आपको यहीं पर मिलेगा, ना कि यहाँ पर मिलेगा। ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, इसको आपको नहीं देखना है। बाकी आपको पेट में जुड़वा बच्चे हैं या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है वो रिज़ल्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा। अगर आपको जुड़वा बच्चे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इन 3 बार को सोचकर डर रहे हैं कि इस 3 बार का मतलब प्रेगनेंसी तो नहीं होता है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि इन 3 बार को क्यों बनाया गया है, नीचे पेपर को क्यों लगाया गया है, तो वो उसकी असली वजह है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।